Hi dear students, today we are going to discuss the part 3 of the substitution reactions, that is nucleophilic substitution reactions. Substitution reactions mein abhi tak ek to humne discuss kiye hain free radical substitution reactions aur second type jo humne discuss kiya that was electrophilic substitution reactions. Now we are going to discuss one of the special type of substitution reactions, that is nucleophilic substitution reactions. बेटा nucleophilic substitution reactions क्या होती है वो चीज समझने के लिए हमने यहां पे एक compound लिया है. Here it is carbon atom. Carbon atom को मैंने यहां से link किया है X के साथ. X is any highly electronegative atom. Any highly electronegative atom. It may be fluorine, chlorine, bromine or iodine or any halogen atom. Or it may be even nitrogen in some cases. Or we have to say it may be any electronegative atom or any electron withdrawing group. तो ये देख लीजिए, ये X है, any electronegative atom है, या any electron withdrawing group है, इसी को हमने link किया है carbon atom के साथ. तो यहां पे क्या होगा, ये जो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बीइंग हाईली इलेक्ट्रो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहां पे डेवलप हो जाएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज और कार्बन के इलेक्ट्रॉन स्लाइटली लॉस हो रहे हैं और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो ये जो कंपाउंड है सी एक्स वाली बॉन्ड है इसमें, जो कि एक साइड से नेगेटिव चार्ज है इस पे और दूसरे साइड से इस पे पॉजिटिव चार्ज है. तो मैं कह सकता हूं ये जो कंपाउंड है ये एक पोलर कंपाउंड है, या जो बॉन्ड है इसमें ये एक पोलर बॉन्ड है. तो आप देख लीजिए इस पोलर बॉन्ड में ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड सेंटर है और ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर है. तो यहां पे इस पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर होने की वजह से इस पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है. जैसे मैं यहां ऐड करता हूं न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर मैं रख देता हूं नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं. तो ये यहां पे बेटा एक न्यूक्लियोफाइल मैंने इस कंपाउंड को ऐड कर दिया. तो यहां पे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर कार्बन जो है इसी को ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. Nucleophiles are electron rich, you know that. ये electron rich है, इस carbon positively charged carbon को ये nucleophile electron donate करेगा. और electron donate करने के साथ साथ क्या होगा, जब ये nucleophile negatively charged nucleophile, when it will attack the positively charged center, ये nucleophile इसको electron donate कर रहा है. तो electron donate करने के time पे ये X जो है वो यहां से इस bond के electrons को अपनी तरफ कंप्लीटली विथड्रॉ करेगा अपनी तरफ. तो देख सकते हैं ये कंपाउंड था, कंपाउंड है यहां पे सीएक्स बॉन्ड है इसमें. सीएक्स बॉन्ड माने पोलर बॉन्ड है इसमें, एक साइड से नेगेटिव चार्ज दूसरे साइड से पॉजिटिव चार्ज. तो हमने इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दिया और जो ही यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन को, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड कार्बन ने किसके साथ बनाई थी, एक्स के साथ बनाई थी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये एक्स यानी कि हैलोजन ले लेता है. तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जो एक्स है, एक्स बाहर निकल रहा है तो मैं इसको मैं यहां पे लिख देता हूं X के. अब ये जो X था इसके पास स्लाइट नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अब जब इसने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए तो इस पे फुल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, फुल नेगेटिव चार्ज. और साथ में ये आपका कार्बन है, इसको यहां से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. तो जब इसको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये कार्बन इसी न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन इसी न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा. और साथ में कार्बन की ये वाली बॉन्ड और ये बॉन्ड, तीन बॉन्ड्स इसकी अपनी बॉन्ड्स है तो ये तीनों बॉन्ड्स इसकी प्रेजेंट रहेगी, ये वाली बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड और ये वाली बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड्स, 1 2 3 1 2 3, और ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन और बना रहा है इसके साथ फोर्थ बॉन्ड और यहां से हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहा है एज एक्स नेगेटिव. अब जब एक्स ने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, एक्स ने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो इस पे कंप्लीट हुआ, डेवलप हुआ है कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल बन गया है. तो देख लीजिए ये जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमने एक न्यूक्लियोफाइल इस कंपाउंड को ऐड कर दिया, एनयू नेगेटिव,
और उसने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के साथ साथ ये प्रोडक्ट बना दिया, और प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ इस सबस्ट्रेट में से एक नए न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल दिया। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट को अटैक कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, और साथ ही में दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो बाहर निकल रहा है। एक न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कर रहा है सबस्ट्रेट को, इसको मैं पोलर कंपाउंड यानी कि सबस्ट्रेट लिख रहा हूं यहां पे। इन दिस रिएक्शन जो मैंने यहां पे रिएक्शन लिखी है, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल पीछे से कार्बन को अटैक कर रहा है तो प्रोडक्ट बना रहा है यहां पे, और साथ ही में नया न्यूक्लियोफाइल यहां पे बाहर निकल रहा है। When one nucleophile replaces the other nucleophile from the substrate to form the product, this reaction is called as nucleophilic substitution reaction. तो इस nucleophilic substitution reaction में क्या होता है बेटा, एक nucleophile positively charged center को attack करता है और वहां पे bond cleavage करवाता है, और bond cleavage करवाने के साथ साथ ही एक नया nucleophile बाहर निकलता है, यानी कि the new nucleophile is attacking the positively charged carbon and the already existing nucleophile that leaves as an X negative. That means in this nucleophilic substitution reaction, one nucleophile replaces the other nucleophile from the substrate to form the product. तो अब कौन सी reactions होती है nucleophilic substitution reactions? वो reactions जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, उसके साथ बॉन्ड बनाता है वो न्यूक्लियोफाइल, और साथ ही में एक नया न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल की वजह से दूसरे न्यूक्लियोफाइल का बाहर निकलना, ये रिएक्शन कहलाती है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं इस चीज को हटा देता हूं बेटा। सो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इज द वन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस द अदर न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू फॉर्म द सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस है इसकी दो टाइप्स होती है। वन टाइप इज कॉल्ड एज SN2 रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस दैट इज SN2 रिएक्शंस, एंड जो इसका सेकंड टाइप है सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस का, जो सेकंड टाइप है दैट इज SN1 रिएक्शंस, SN2 एंड SN1 रिएक्शंस। ये जो टू है यहां पे, टू मीन्स बाई मॉलिक्यूलर, टू मीन्स बाई मॉलिक्यूलर, एस मीन हियर दिस एन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, एस मीन्स सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो SN2 रिएक्शन का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, और ये जो ये SN1 रिएक्शन है ये भी न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन इस वन की वजह से इसको हम स्पेशल नाम देंगे यूनिमॉलिक्यूलर, इस वन के बदले यूनिमॉलिक्यूलर, एन के बदले न्यूक्लियोफिलिक, और एस के बदले सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है इनके दो टाइप्स है, एक तो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस है, और दूसरा जो टाइप है SN1, इसको हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो वी हैव टू स्टडी बोथ दीज टाइप्स इन डिटेल सो एज टू फुली अंडरस्टैंड व्हाट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस एक्चुअली आर एंड हाउ दे एक्चुअली प्रोसीड। नाउ सी वन थिंग, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने वो रिएक्शंस कहे जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को सबस्ट्रेट में से बाहर निकालता है बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर। तो देख लीजिए ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जो है दो तरह की है, एक तो SN2 रिएक्शन है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, और SN1 है दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक। हम इन दोनों रिएक्शन को इन डिटेल स्टडी करते हैं सो दैट आपको एक बेस्ट कंसेप्ट मिले कि ये SN2 SN1 या जनरल में मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है और कैसे रिएक्शन एक्चुअली होती है। तो देख लीजिए, आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस ऑफ, मैं यहां पर बेटा डिस्कस करता हूं। अब सबसे पहला टाइप सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस का SN2 रिएक्शंस, दैट इज बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। एक चीज याद रखनी है, SN2 रिएक्शंस आर दो सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, दिस आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, एंड दिस इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। ये जो टू है, टू यहां पे, ये टू का मतलब मैं समझा देता हूं। पहली बात याद रखोगे, SN2 रिएक्शन वो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है।
लेकिन और एक चीज जो यहां पे याद रखनी है, ये SN2, व्हाट डू यू मीन बाय 2 हियर, बाई मॉलिक्यूलर। ये बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, मैं ये चीज समझा देता हूं आपको। समझो यहां पे मेरे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स एक्स एंड वाई, एंड दिस एक्स एंड वाई इट रिएक्ट्स विथ सी टू फॉर्म प्रोडक्ट। समझ लेना अच्छे से बेटा, ये टू का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। ये SN2, हम टू क्यों लिखते हैं, तो टू क्यों लिखते हैं वो समझ लो। ए और बी दो रिएक्टेंट्स है और ये कंबाइन कर रहे हैं आपस में और बना रहे हैं एक्स और वाई, जो कि आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट यहां पे बन रहा है, समझो वो बन रहा है यहां पे वाई जेड बन रहा है, या एक्स जेड, सॉरी एक्स जेड बन रहा है यहां पे प्रोडक्ट। ए प्लस बी दीज आर योर रिएक्टेंट्स एंड दीज रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड दे फॉर्म एक्स वाई विच इज योर इंटरमीडिएट कंपाउंड, एंड दैट इंटरमीडिएट कंपाउंड रिएक्ट्स विद सी एनी अदर सबस्टेंस एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्स जेड, लेट दैट बी योर प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो यहां पे दो स्टेप्स है, एक तो रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहा है और फिर वो इंटरमीडिएट कंपाउंड सी के साथ रिएक्ट करके बना रहा है क्या, प्रोडक्ट। तो समझते हैं एक चीज, ये जो ए और बी का मिलना है, इनका रिएक्ट होना, इन दोनों से इंटरमीडिएट कंपाउंड का बनना, मान के चलिए ये एक रिएक्शन जो है ये एक स्लो रिएक्शन है। ए और बी आपस में कंबाइन तो करते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है, ए एंड बी जब भी कंबाइन करेंगे तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड का बनना मान के चलिए एक स्लो स्टेप है, और ये जो स्लो स्टेप में एक्स वाई बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड, और फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड सी के साथ फास्टली रिएक्शन करता है, वेरी फास्ट रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है। तो प्रोडक्ट बनने के लिए आपको कितने स्टेप्स करने पड़े, दो स्टेप्स करने पड़े, एक तो स्लो स्टेप है इंटरमीडिएट कंपाउंड का बनना, दूसरा फास्ट स्टेप है प्रोडक्ट का बनना। अब अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन वो है जिस पे प्रोडक्ट का बनना डिपेंड करता है, क्या प्रोडक्ट का बनना स्लो स्टेप पे ज्यादा डिपेंड करेगा कि फास्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली एक चीज यहां पे समझना है कि प्रोडक्ट तो फास्ट स्टेप से ही बन रहा है, लेकिन इसका बनना ज्यादा इस स्टेप पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे, क्योंकि जब तक स्लो स्टेप नहीं होगा तब तक ये फास्ट स्टेप भी नहीं होगा। फास्ट स्टेप तब होता है जब इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड की सेटअप से बनता है स्लो सेटअप से। सो जब तक ये स्लो सेटअप कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका फास्ट स्टेप भी नहीं होगा। तभी हम कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, द स्पीड ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्वड इन स्लोएस्ट स्टेप। अब अगर मुझे इस रिएक्शन की स्पीड मालूम करनी हो, रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करनी हो, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लोएस्ट सेटअप डिटरमाइन करवाता है। प्रोडक्ट कितना ज्यादा बनेगा, कितना जल्दी जल्दी बनेगा, ये सारा डिपेंड करता है स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट्स यूज हुए हैं। सो आई विल राइट डाउन हियर, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट को आप पढ़िएगा, कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए, टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी आ गया। बेटा फिर से समझिएगा, इस रिएक्शन में मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट का बनना ज्यादा किस स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, स्लो स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। वाइस आर ऑन स्लो स्टेप, बिकॉज स्लो स्टेप ही जब तक नहीं होगा तब तक फास्ट स्टेप होगा ही नहीं। तो प्रोडक्ट का बनना स्लो सेटअप के रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तभी मैं कह रहा हूं स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन, रेट ऑफ दिस रिएक्शन वो डिपेंड करेगी ए और बी की कंसंट्रेशन पे। अब मेरा यहां पे बता सकते हैं ए कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, एक बार, तो आप यहां पावर वन रखोगे, और यहां बी भी वन टाइम्स इस्तेमाल हो रहा है तो यहां पर भी वन का पावर इस्तेमाल करोगे आप। तो अगर आपको कहा जाए द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट सुपीशीज ए एंड बी रेज़ टू द पावर इक्वल टू दियर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये भी एक टाइम्स है, ये भी एक टाइम्स है, तो यहां पे वन पावर रखेंगे, यहां पे भी वन पावर रखेंगे। तो मैं एक चीज कहूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट का बनना ए पे भी डिपेंड कर रहा है वन टाइम्स, और बी पे भी डिपेंड कर रहा है वन टाइम्स।
तो प्रोडक्ट का बन रहा है, प्रोडक्ट का बनना हियर ए पे भी डिपेंड कर रहा है, बी पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों पे इक्वली डिपेंड कर रहा है। तो मैं एक चीज कहूंगा, जो रिएक्शन है यहां पे, रिएक्शन जो ये हो रही है, इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है एक्स वाई बन रहा है, तो इस प्रोडक्ट का बनना ए पे भी एक बार डिपेंड कर रहा है और बी पे भी एक बार ही डिपेंड कर रहा है। तो इन पावर्स का अगर हम सम करते हैं, पावर्स का सम अगर करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, वन प्लस वन दैट इज टू। ये जो ये टू आ रहा है, सम ऑफ पावर्स आ रहा है, तो ये सम ऑफ पावर्स क्या गया, टू। इस रिएक्शन का नाम पड़ेगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, फिर से समझिएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट का बनना डिपेंड करता है दो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे, एक तो ए पे डिपेंड कर रहा है और बी पे डिपेंड कर रहा है, और यही दो जो है यहां पे, ये टू हम यहां पे पावर इस्तेमाल कर देते हैं। जब भी मैं कहूं SN2 रिएक्शन, SN2 का मतलब है ये वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट का बनना दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तभी मैंने यहां पे टू लिखा है। अगर SN1 होगा, SN1 रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसमें प्रोडक्ट का बनना खाली एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता होगा। तो समझ लीजिएगा, आई एम राइटिंग हियर SN2 रिएक्शन, टू मींस इन दिस रिएक्शन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट सुपीशीज। अगर ये SN1 होती तो हम कहते हैं प्रोडक्ट का बनना एक रिएक्टेंट की सुपीशीज पे डिपेंड करता। होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हटा देते हैं यहां पे, तो कौन सी रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी, बाइमोलिक्यूलर। तो हमने इसको बाइमोलिक्यूलर क्यों कहा, क्योंकि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट का बनना जो है वो दो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता होगा। बट एट द सेम टाइम मैंने यहां पर क्या कहा, ये रिएक्शन जो है एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो मैं इस रिएक्शन को अब एग्जाम्पल की फॉर्म में ले लेता हूं। तो देख लीजिए, यहां पर मैं ले लेता हूं CCl कार्बन विथ क्लोरीन। तो देख लीजिए, यहां से कार्बन के साथ तीन बॉन्ड्स है, या तो यहां पे तीन हाइड्रोजन एटम होंगे तो ये बन जाएगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, या तो यहां पे होगा CH3CH2Cl ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड, या यहां पे और रख दो आप, यहां पे और रख दो आप CH3, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 टू क्लोरो प्रोपेन। तो कहने का मतलब है ये जो कंपाउंड है यहां पे, ये कंपाउंड यहां पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन, यहां पे मिथाइल हो सकता है, यहां पे मिथाइल हाइड्रोजन हो सकता है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैं इन तीन बॉन्ड्स को ऐसे ही छोड़ देता हूं। तो ये है आपका सबस्ट्रेट, सर ये कौन सा सबस्ट्रेट है, वो कंपाउंड, वो रिएक्टेंट जिसमें कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बनाई है, क्लोरीन के साथ। अब बेटा क्लोरीन क्या है, हेलोजन, हेलोजन जब भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है सिंगल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज हेलो अल्केन। तो यहां पे कार्बन जो है हेलोजन है, हेलोजन ने कार्बन के साथ बनाई है बॉन्ड, ये कंपाउंड कहलाएगा हेलो अल्केन, और हेलो अल्केन बेटा आपका सबस्ट्रेट है, यही पार्टिसिपेट करेगा हेलो अल्केन, कौन सी रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में। तो देख लो SN2 रिएक्शन कैसे होगी, सबसे पहले ये जो बॉन्ड है CCl बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड है, यहां पर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, और इस पर आ जाएगा पार्शल नेगेटिव चार्ज, और इस पर आ जाएगा पार्शल पॉजिटिव चार्ज। तो पार्शल पॉजिटिव चार्ज, पार्शल नेगेटिव चार्ज जब आ गया तो ये हमारा हेलो अल्केन जो है ये पोलर है। पोलर क्यों है सर, क्योंकि एक साइड से नेगेटिव पोल, दूसरे साइड से पॉजिटिव पोल, दोनों पोल उस प्रेजेंट है, इसको हम डाइपोल भी कह सकते हैं, हम पोलर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। और जब यहां पर पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन क्रिएट हो गया, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, यहां पर कार्बन पे अब न्यूक्लियोफाइल, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो मैं यहां से बैक साइड से एक चीज समझ लो, मैं यहां से न्यूक्लियोफाइल को ऐड करूंगा OH नेगेटिव, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। सर आपने न्यूक्लियोफाइल क्यों ऐड किया, इस कंपाउंड को क्यों न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव ऐड किया, सर इसलिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड किया क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल तो मैं यहां से भी ऐड कर सकता था, अगर मैं इस साइड से न्यूक्लियोफाइल ऐड करता, इस साइड से,
तो यहां पे एक नेगेटिव था, यहां पे भी नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव की रिपल्शन हो जाती, और जब रिपल्शन हो जाती रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं थी। तो इसलिए हम न्यूक्लियोफाइल को क्लोरीन के साइड में ऐड नहीं करते हैं इनकेस ऑफ एसन टू रिएक्शन। एसन टू रिएक्शन में याद रखिएगा, जब भी न्यूक्लियोफाइल हम ऐड करते हैं वो हम बैक साइड से ऐड करते हैं, बैक साइड। तो और एक पॉइंट आ गया, इनकेस ऑफ एसन टू रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड। बैक साइड सर क्यों बैक साइड से अटैक करेगा, ये इस कार्बन को बैक साइड से अटैक करेगा। सर क्यों बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि फ्रंट साइड से ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। अगर मैं यहां से न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देता तो यहां पे रिपल्शन हो जाती, यहां पे कोई रिएक्शन होती ही नहीं। सो यू हैव टू रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कैरी एसन टू रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, और सिंगल स्टेप में तो होती है, हमने हेलो अल्केन ले लिया, सबस्ट्रेट रिएक्टेंट है हमारा, इसी को अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, बट कौन से साइड से, बैक साइड से। अब सर फ्रंट साइड से क्यों नहीं करवा रहे हो अटैक, क्योंकि फ्रंट साइड से ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, यहां से हम OH नेगेटिव को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि रिपल्शन हो जाएगी, उस रिपल्शन को खत्म करने के लिए हम बैक साइड अटैक करवा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का। एक मिनट रुकते हैं बेटा। तो आपने यहां पे देख लिया जो न्यूक्लियोफाइल है बैक साइड से अटैक कर रहा है क्योंकि फ्रंट साइड से ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। अब एक चीज काम करते हैं, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच है, सीएल नेगेटिव, ये ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल है जिसने इसके साथ बॉन्ड बनाई है, इट इज कॉल्ड एज लीविंग न्यूक्लियोफाइल, लीविंग न्यूक्लियोफाइल। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन को अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, बिकॉज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन को अटैक करेगा, और जब ये इसको अटैक करेगा इसका मतलब ये इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, जब इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है यानी कि इसके साथ अटैच होना चाहता है, और इसको हम नाम देते हैं इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। अब देख लो क्या होगा, देख लीजिए अच्छे से देख लीजिएगा, यहां पर बेटा कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है, 1, 2, 3 और ये होगी फोर्थ बॉन्ड। कार्बन ने हेलो अल्केन में ऑलरेडी चार बॉन्ड बनाई है, 1, 2, 3, 4 और साथ में यहां से न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि कार्बन के साथ कितनी बॉन्ड्स बनेगी, अब 5 बॉन्ड्स बनेगी। बट यू नो दैट कार्बन नेवर फॉर्म्स 5 बॉन्ड्स, कार्बन हमेशा चार बॉन्ड्स बनाता है, चार बॉन्ड क्योंकि इसकी कोवलेंसी 4 है, चार बॉन्ड्स बना के कार्बन स्टेबल होता है, लेकिन इसने ऑलरेडी चार बॉन्ड बनाई हुई है और यहां से न्यूक्लियोफाइल ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये जो क्लोरीन है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन बॉन्ड इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इस कार्बन को यहां से ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और इस कार्बन को इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ कोई भी एफिनिटी नहीं रहेगी, तभी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। और यहां पर क्या बनेगा देख लो, ये कार्बन है बीच वाला कार्बन, ये जो कार्बन है यहां पर एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और यह है आपकी तीसरी बॉन्ड, ये एक बॉन्ड रख दो, ये दूसरी बॉन्ड रख दो, एक बॉन्ड ये दूसरी बॉन्ड है और ये तीसरी बॉन्ड है, तीसरी बॉन्ड रख दो, यहां रख देते हैं। और यहां से अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के पास कौन सा चार्ज, नेगेटिव, यहां पे कौन सा पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। बेटा ये न्यूक्लियोफाइल आ गया जिसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल था, OH नेगेटिव, यहां से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जब इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ। और यहां से क्लोरीन जो है, क्लोरीन बीइंग हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसने इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लिए, जब इस कार्बन को यहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहे, ये वाला क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये वाली बॉन्ड भी ब्रेक होने लगी, क्लोरीन वाली बॉन्ड, तो ये जो यहां पर बन रहा है ये वाला चीज, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। अब देख लो एक चीज, ट्रांजिशन स्टेट जो है, ट्रांजिशन स्टेट में हो क्या रहा है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यानी कि ये चाहता है कि मैं कार्बन के साथ बॉन्ड बनाऊं, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है, यानी कि यहां पे बॉन्ड मेकिंग हो रही है, बॉन्ड मेकिंग हो रही है इन दोनों के बीच में। और ये जो क्लोरीन है बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपनी तरफ, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ तो ये बॉन्ड को ब्रेक करना चाह रहा है, तो यहां पे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रहा है। ये जो स्टेट यहां पे बन रही है कार्बन के लिए हाईली अनस्टेबल होती है बेटा, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि कार्बन जो है यहां पर कार्बन की एक तो तीन बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड,
और ये बॉन्ड नई बॉन्ड बन रही है और ये एक पुरानी बॉन्ड वो ब्रेक होने को जा रही है, यानी कि यहां पे कार्बन एसोर्ट ऑफ पेंटावेलेंट स्टेट में आ गया। तो ये कार्बन जो है यहां पे वो अनस्टेबल होगा। जब ये अनस्टेबल होगा तो क्या होगा यहां पे देख लीजिए, वो देख लीजिए आप क्या होगा। न्यूक्लियोफाइल ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और इसके साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है तो बॉन्ड बन रही है, और यहां से क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले रहा है और बॉन्ड को ब्रेक करना चाह रहा है तो यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रही है। तो इस स्टेज में, ट्रांजिशन स्टेज में, एक साइड से बॉन्ड ब्रेक हो रही है और दूसरे साइड से बॉन्ड बन रही है, और इस को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में यहां पे पांच बॉन्ड्स का बनना, अभी पांच बॉन्ड्स यहां पे प्रेजेंट है, सॉर्ट ऑफ फाइव बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, 1 2 3, ये बॉन्ड पूरी अभी ब्रेक नहीं हुई है, ये कंप्लीटली बनी नहीं है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाते हैं, उसकी वजह से ये ट्रांजिशन स्टेट जो है अनस्टेबल होती है। तो ये अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट विद इन नो टाइम क्लोरीन अब कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ले जाता है, बाहर निकलेगा Cl नेगेटिव, ये क्लोरीन ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो मैं माइनस कर दूंगा, माइनस मतलब लॉस हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, सीएल नेगेटिव बाहर निकल रहा है। अब सीएल नेगेटिव है क्या, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है सर, अब सीएल नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया, अब यहां पे क्या बचा, कार्बन बचा यहां पे, तो और इन दोनों की कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगी, कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगी, ये कंप्लीट बॉन्ड बन गई, और ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये यहां जाएगी पीछे, और ये बन गया आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज अल्कोहल। अब आप देख लो, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ने हेलो अल्केन को अटैक कर दिया, हेलो अल्केन को अटैक करने के बाद ट्रांजिशन स्टेट बना दिया, और ट्रांजिशन स्टेट में से एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल रहा है और साथ में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है अल्कोहल। सो इस रिएक्शन को अगर हम ओवरऑल डिफाइन कर दे, हो क्या रहा है यहां पर, न्यूक्लियोफाइल एक अटैक कर रहा है सबस्ट्रेट को और दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल रहा है और साथ में बना रहा है प्रोडक्ट। सो फ्रॉम द कन्वर्शन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, फ्रॉम द कन्वर्शन ऑफ दिस हेलो अल्केन टू अल्कोहल, वन न्यूक्लियोफाइल इज हैज बीन एलिमिनेटेड एंड द अदर न्यूक्लियोफाइल टेक्स इट्स प्लेस हियर। यहां पे कार्बन के साथ क्या था, क्लोरीन, एक न्यूक्लियोफाइल, अब प्रोडक्ट में कार्बन के साथ क्या गया, अल्कोहल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सबस्ट्रेट को और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल रहा है, तो ये रिएक्शन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो क्या, कौन सी रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। सर वो तो समझ आ गया, ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन सर आपने एक चीज कही थी इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर कि SN2 रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो एक स्टेप में होती है, लेकिन यहां पर तो सर दो स्टेप दिख रहे हैं, दो स्टेप्स दिख रहे हैं, एक तो ये स्टेप है, दूसरा ये स्टेप है, यहां पे तो दो स्टेप्स लग रहे हैं, बेटा ये दो स्टेप्स नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो ही बनती है विद नो टाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, सो ट्रांजिशन स्टेट का बनना इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेप, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, सर आप इसको स्टेप फर्स्ट नहीं कहिएगा, इसको स्टेप सेकंड नहीं कहिएगा, क्योंकि यहां पे जो बीच में बन रही है ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल होती है, ये जो ही बनती है विद नो टाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इट इज नॉट अ सेपरेट स्टेप, द एंटायर रिएक्शन इज बिलीव्ड टू बी टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए अल्कोहल जो है यहां पे प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है यहां पे अल्कोहल, आपको अल्कोहल के बारे में पूछा गया है, इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन इस प्रोडक्ट का बनना कितने रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, क्या एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि दो। अब एक चीज बताओ, ये रिएक्शन स्लो सिंगल स्टेप में हो रही है कि दो स्टेप्स में हो रही है, सिंगल स्टेप में हो रही है। अभी सिंगल स्टेप में कितने रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, एक तो न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है, एक तो सबस्ट्रेट यूज हो रहा है। अगर मुझे कहना हो प्रोडक्ट का बनना कितने रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, दो रिएक्टेंट्स पे, न्यूक्लियोफाइल पे और हेलो अल्केन पे, तभी हम इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, वो रिएक्शन है ये वाली जिसमें प्रोडक्ट का बनना दो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस रिएक्शन एज बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, और इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज SN2 रिएक्शन। तो यहां पर आप देख सकते हो फॉर दिस रिएक्शन, मैं कहूंगा फॉर दिस रिएक्शन, ये जो है ये कंपाउंड, ये हेलो अल्केन है, इसी हेलो अल्केन को न्यूक्लियोफाइल ने ऐड किया, अटैक किया, अटैक करने के बाद यहां पे अल्कोहल बना दिया। तो अगर मुझे पूछा जाए व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन, वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल,
न्यूक्लियोफाइल, कितनी बार न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है, एक बार, तो पावर वन कर दोगे, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव एक बार इस्तेमाल हुआ है। इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हेलो अल्केन, यहां पे हेलो अल्केन भी कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, एक मॉलिक्यूल। तो यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, टोटल कितने रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रही है, वन एंड टू, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज SN2 न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, पर्टिकुलरली SN2 टाइप, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर, द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द हेलो अल्केन, बिकॉज ऑन द फ्रंट साइड वी आर ऑलरेडी हैविंग वन न्यूक्लियोफाइल। If we are going to carry out the front side attack of nucleophile, there will be the large amount of repulsion. So, as to minimize that repulsion, हम back side attack of nucleophile करवाते हैं in case of SN2 reaction. So, SN2 reaction में सबसे important point जो है यहाँ पे, एक point है कि nucleophile हमेशा back side से attack करता है, ये चीज याद रखिएगा। और दूसरा जो concept है, ये reaction हमेशा single step मानी जाती है, क्योंकि transition state का बनना कोई separate step नहीं है, ये जो ही बनती है विद नो टाइम ये product में convert हो जाती है, that is why we do not consider it as formation as a step। और एक चीज देख लीजिए, so reaction एक step में हो रही है, यहां पे कोई slow step fast step है ही नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है। तो जो अल्कोहल है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का बनना कितने रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, दो रिएक्टेंट्स पे। अब जो दो रिएक्टेंट्स पे प्रोडक्ट का बनना डिपेंड कर रहा है, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख ली, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव एंड हेलो अल्केन, एक बार इस पे एक बार इस पे, यानी कि प्रोडक्ट का बनना इन दोनों पे एक एक बार ही डिपेंड कर रहा है, दैट इज व्हाई टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स 1+1 दो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट का बनना, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो और एक चीज बता देता हूं यहां पे, और एक चीज दैट विल बी द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग SN2 रिएक्शन जो मैं आपको समझा देता हूं। एक चीज SN2 रिएक्शन वो रिएक्शन है जिस वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट का बनना दो रिएक्टेंट स्पीशीज पे डिपेंड करता है। दूसरा जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और इसमें कोई इस रिएक्शन में याद रखना SN2 रिएक्शन में कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता। रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटायन, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल और कार्बीन, उन रिएक्शन इंटरमीडिएट कोई बनता ही नहीं है, उसके बदले बनती है यहां पे ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट का बनना कोई सेपरेट स्टेप नहीं है। और एट द एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कहूंगा SN2 रिएक्शन के बारे में, वो ये है, इनकेस ऑफ SN2 रिएक्शन देयर इज इनवर्शन इन कॉन्फिगरेशन, देयर इज इनवर्शन इन कॉन्फिगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर, वो क्या है, इसमें होता है इनवर्शन इन कॉन्फिगरेशन, और इनवर्शन इन कॉन्फिगरेशन को हम और एक चीज कहते हैं अम्ब्रेला इफेक्ट। सर अभी अम्ब्रेला इफेक्ट क्या है और इनवर्शन इन कॉन्फिगरेशन क्या है, अब देख लो ये अम्ब्रेला इफेक्ट क्या है, इनवर्शन इन कॉन्फिगरेशन क्या है, देख लो, ये कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज, इसके साथ यहां पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन कौन से साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड में। सो इनकेस ऑफ आवर रिएक्टेंट में जो न्यूक्लियोफाइल है कौन से साइड से, राइट साइड से, लेकिन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के में भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है कार्बन के साथ, लेकिन वो कौन से साइड से प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड से। तो ये चीज देख लो, रिएक्टेंट में जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल था Cl negative, वो कौन से साइड से प्रेजेंट है, राइट साइड से। और जो प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया OH negative, वो कौन से साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से। यानी कि न्यूक्लियोफाइल जिस साइड से था प्रोडक्ट में, न्यूक्लियोफाइल में नया न्यूक्लियोफाइल उस साइड से अटैच नहीं होता, उसके अपोजिट साइड से होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इनवर्शन इन कॉन्फिगरेशन और अम्ब्रेला इफेक्ट। और एक चीज समझो, इस रिएक्टेंट में ये जो बॉन्ड थी, ये बॉन्ड और ये वाली बॉन्ड, ये पीछे की तरफ थी, लेकिन जब इस OH नेगेटिव ने अटैक कर दिया, OH नेगेटिव जब अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये जो बॉन्ड्स है, ये तीन बॉन्ड्स, ये पीछे की तरफ चली जाती है। ये देख लो आप, OH नेगेटिव हाईली इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको कर रहा है, कार्बन को कर रहा है, लेकिन यहां पर ऑलरेडी तीन बॉन्ड्स है, वो भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इन बॉन्ड्स को रिपेल करता है, बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करता है, और ये तीनों बॉन्ड्स पीछे चली जाती है। यानी कि यहां पे ये तीन बॉन्ड्स लेफ्ट साइड में थी और यहां पे ये तीन बॉन्ड्स प्रोडक्ट में राइट साइड में आ रही है। यानी कि व्हेन वी आर गोइंग टू कैरी बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो इस रिएक्टेंट की रिएक्टेंट में बॉन्ड्स का अरेंजमेंट है रिएक्टेंट में,
जब उसको बैकसाइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, फिर वही बॉन्ड्स का अरेंजमेंट यहां नहीं रहता, यानी कि यहां पे बॉन्ड्स ये जो तीन बॉन्ड्स थी लेफ्ट साइड से थी और यहां पे जो ये तीन बॉन्ड्स आ रही है राइट साइड आ रही है, बराबर जैसे अम्ब्रेला होता है। अम्ब्रेला जो होता है वो डाउनवर्ड्स होता है, अम्ब्रेला छतरी जिसे हम कहते हैं, तो डाउनवर्ड्स होती है। लेकिन जब बारिश होती है, जब तूफान आता है, तूफान की वजह से उस अम्ब्रेला का क्या हो जाता है, वो अपसाइड डाउन हो जाता है, डाउन जो उसका डाउन साइड है वो टोर्स अपसाइड हो जाता है, यानी कि अपसाइड डाउन हो जाता है उसका। या ऐसे कहो जो अम्ब्रेला है नीचे की तरफ है, जब बारिश आती है या तूफान आता है वो जो आपका अम्ब्रेला है ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इसका मतलब है वो इफेक्ट जो वहां पे होता है दैट इज कॉल्ड अम्ब्रेला इफेक्ट, बट हियर इन केमिस्ट्री वी कॉल इट एज इनवर्शन इन कॉन्फिगरेशन। तो समझना है यहां पे SN2 रिएक्शन के केस में जब बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है न्यूक्लियोफाइल का या यहां से हाइड्रोजन एटम्स का सबस्ट्रेट में, वो अरेंजमेंट बॉन्ड्स का प्रोडक्ट में नहीं रहता, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड अटैक करेगा यहां पे इन बॉन्ड्स का अरेंजमेंट ही चेंज हो जाता है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इनवर्शन इन कॉन्फिगरेशन और इट इज कॉल्ड एज अम्ब्रेला इफेक्ट। हियर द मॉलिक्यूल जस्ट बिहेव्स लाइक दैट ऑफ अम्ब्रेला, एज अम्ब्रेला इज ऑलवेज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, बट वेन इट रेन्स जब बारिश होती है या बहुत ज्यादा तूफान आता है वो अम्ब्रेला ऊपर की तरफ चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्शन इन कॉन्फिगरेशन हियर इन केमिस्ट्री और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अम्ब्रेला इफेक्ट। तो SN2 रिएक्शन के बारे में हमने एक चीज ये पढ़ी, इसमें जो प्रोडक्ट का बनना है वो दो रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और साथ ही में हमने ये बोला कि SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, ट्रांजिशन स्टेट का बनना कोई स्टेप है ही नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन कार्बेनियन फ्री रेडिकल्स आते हैं, अगर वो बनते तो हम कहते हैं ये रिएक्शन दो स्टेप्स में होती है। उसके अलावा हमने यहां पे कहा कि जब बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है तो यहां पे इनवर्शन इन कॉन्फिगरेशन हो जाती है, मॉलिक्यूल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंप्लीटली बॉन्ड्स का अरेंजमेंट जो है चेंज हो जाता है। ये बॉन्ड्स का अरेंजमेंट है, यहां 1 2 3 बॉन्ड्स यहां है, जब यहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बॉन्ड्स यहां मुड़ जाती है, दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स चेंज इन कॉन्फिगरेशन और इनवर्शन इन कॉन्फिगरेशन। सो वी हैव हियर कंप्लीटेड वन टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज SN2 रिएक्शन। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस our next type of nucleophilic substitution reaction that is going to be SN1 reaction। SN1 reaction ko beta hum next lecture mein padhte hain kyunki ye lecture jo hai thoda lengthy ban raha hai, uploading mein fir problems aati hai, isliye SN1 reaction ko main dusre lecture mein upload kar deta hu। khuda hafiz।